अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम और के मेहमान में खुश आमदी। प्रोग्राम और के मेहमान में जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की नामवर सियासी समाजी शख्सियात से, वहीं हमारे साथ ऐसे मेहमान भी मौजूद होते हैं जिनका ताल्लुक फ़नून लतीफ़ा से है। और आपने सुना ही होगा वो एक बहुत ही वायरल और मशहूर पेट्रियाटिक सॉन्ग तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सपात है, वो इन्हीं ने बनाया। और इसके बाद उन्होंने ना सिर्फ यहीं पे उनका सफ़र रुकता है बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को शेर दिल की सूरत में एक मास्टरपीस दिया। जी हाँ, मल्टी टैलेंटेड डायनेमिक पर्सनालिटी हैं और मैं आपसे उनकी आज मुलाकात करवाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं मेजर नुमान खान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नौशीन? ठीक, आप कैसे हैं? So nice to have you here. बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। Welcome to the Firdaus. Please आइए। आइए। Welcome नौशीन। कैसे हैं नुमान साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Thank you very much for coming. I hope कि आपके शब रोज अच्छे गुजर रहे होंगे। शब रोज बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने अपने व्यूवर को बताया है आप इंट्रो में कि हम उनको आज और के मेहमान में एक बड़ी ही मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं। वो तो हम पूरा दिन आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे, आपके टैलेंट्स भी और आपकी मसरूफियत में भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अपने बारे में कुछ बताएँ। नौशीन, मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा है और ये वो ज़माना है जिसमें हर शख्स जो है 10वीं जमात के बाद एक दफ़ा आर्मी के लिए ट्राई ज़रूर किया करता था। मैं अपनी दोस्त की मोहब्बत में जो है, सफ़र उनका नाम है, बड़े खुश हो रहे होंगे आज। सो मैं उनकी मोहब्बत में जो है मैं भी चला गया कि मैं वहाँ पे आईएस भी दूँ, और ज़फ़र रह गए सिविलियन और मैं बन गया फ़ौजी। और फिर उसके बाद 20 साल तक जो है हम फ़ौजी बने रहे, और उसके बाद मैंने फ़ौज को खैराबाद कहा, एक अदद बिज़नेस को ज्वाइन किया, अल्लाह ताला ने उसमें बहुत कामयाबी अता फरमाई। और उसके बाद अब से 6 साल पहले I got myself involved into a PF song, तुम ही से मुजाहिदो, जो कि आप अपने इंट्रो में जिक्र कर रही थी। वो गाना वायरल हो गया, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, एयर फोर्स के हलकों में बहुत ज़्यादा चाहा गया। वो गाना जुनेद जमशेद का आखिरी गाना था, और जब जुनेद ने उसको गाया तो उसके बाद अक्सर मुझसे सवाल किया कि मेजर साहब, ये गाना वाकई आपने कंपोज़ किया है? तो मैंने कहा, जी जुनेद भाई, मैंने ही कंपोज़ किया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहूँगा कि आपका सफ़र यहाँ पे रुक जाए, मैं चाहूँगा कि ये सफ़र आपका जारी रहे। एंड फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ ऑफ़र कर दी जिसके बाद किसी को भी ऑफ़र की जाती तो वो शायद ना कहता। उन्होंने कहा, क्या क्या आप समझते हैं कि वाइटल साइंस के सारे गाने लिख दिए गए हैं? क्या आप समझते हैं कि वाइटल साइंस का सारा काम मुकम्मल हो चुका है? अगर आप कोई बड़ा काम करेंगे तो फिर मैं जो है आपके साथ हूँगा। और मैंने उन्होंने मुझे जब जो एक एयर फोर्स की फ़िल्म के बारे में ज़िक्र किया जिसमें बहुत ज़्यादा पैट्रियटिज्म था, तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकूँगा क्योंकि ये एंड गेम है। एंड देन आई गॉट इन्वॉल्व्ड इनटू राइटिंग दिस थिंग, क्योंकि जुनेद ने मुझे ऑफ़र कर दिया था। इसमें जो रोल मैंने अदा किया जुनेद का, दरअसल वो जुनेद जमशेद का रोल था और मैंने उन्हीं की याद में किया। एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। अब जो है एन के प्रोडक्शंस जो है, एन के पिक्चर्स हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ करती है। आपका शो जिस वक्त ऑन एयर होगा, एन के पिक्चर्स का एक और प्रोजेक्ट जो है लोगों की स्क्रीन्स के ऊपर होगा, हम एक और प्रोडक्शन करने के लिए जा रहे हैं, और उसमें आज मैं आपको एक मेहमान से भी मिलाऊँगा जिनको मैंने बुलाया हुआ है, और आपकी एक सरप्राइज़ होगा। अच्छा, ये तो आपने बताया, लेकिन एक फौजी के बारे में एक आम परसेप्शन तो यही है, बड़े कोई ड्राई किस्म के लोग होते हैं, बोसी होते हैं, एटीट्यूड होता है, और उनमें इतनी जो है फ़नूनी लतीफ़ा के लिए इतना, मतलब उनकी हिस होना इतने, मतलब ये यू नो बड़ा एक अजीब सा इम्तिजाज है जो मुझे आप में देखने को मिल रहा है। तो फिर शेर दिल कैसे? ड्राई, बॉसी, एटीट्यूड। जिन्हों जो मेरे साथ काम करते हैं शायद वो मुझे कहेंगे कि मैं ये हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक सोल्जर को जिस वक्त क्रिएट किया जाता है तो उससे क्या चीज़ मांगी जाती है? उससे मांगी जाती है यूनिफॉर्मिटी। दूसरी तरफ है क्रिएटिविटी। जब मेरे जो है प्रोडक्शन डिज़ाइनर, मेरे आर्ट डायरेक्टर वहाँ मेरे साथ थे, तो वो कह रहे थे कि क्रिएटिविटी का सत्यानाश हो रहा है यहाँ जब लड़कों को दे रहे। तो मैंने कहा, मैडम,
क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी चाहिए, लेकिन वो अंदर ज़िंदा ज़रूर रहती है। जिस तरह हर शख्स के अंदर एक बचपना, एक बच्चा ज़िंदा रहता है। सो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो फ्लैश चाहिए था कहीं पे कि वो जो क्रिएटिविटी थी उसको जो है आग लग जाए, और वो जुनेद जमशेद ने लगा दी। और उसका वो क्रिएटिविटी की बात है, सेंसिटिविटी की बात है, आर्ट की बात है। तो एक बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है जो कि मेरे प्रोड्यूसर साहब का जो है ना हार्ट फेवरेट है, कि कितनी बार आपने मोहब्बत की, या आप बिलीव करते हैं कि मोहब्बत बार बार होती है? मैं रोज़ाना मोहब्बत करता हूँ। मैं हर रोज़ जब सुबह उठता हूँ मैं उस दिन मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। वो चेहरों से होती है, वो मेरे काम से होती है, वो मेरे पेन से होती है, वो मेरे लैपटॉप से होती है, वो मेरे उन तमाम अशख़ास से होती है जिनके साथ मैं होता हूँ, और मुझे वाकई उनसे दिल से मोहब्बत होती है। और मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं किसी ने तो जान देता कर, अपने जो इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उन पे कंट्रोल करना बड़ा सिखाया जाता है। और हमने भी उस जमाने में जो है ऐसा ही किया कि अपने इमोशंस एक्सप्रेशंस छुपाए रखे। अब वो पता नहीं कि वो किस किस मौके के ऊपर जो है बाहर निकले, लेकिन बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। चले तो आज हम आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने नाश्ते के टेबल पे मधु करता हूँ, और फिर वहाँ से अपने दिन का आगाज करते हैं। चले आइए। हमने ये शेरदिल बना दी तो उसके बाद हमने सोचा कि लोग हंसना चाहते हैं, एंड मैंने ये सोचा कि जो है क्योंकि लोग हंसना चाहते हैं तो क्यों ना मैं कॉमेडी लिखूं। सो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच वाज विद अस वाज द कॉमेडी। कॉमेडी, ओके, नाइस, ग्रेट। जी नौशीन, मैं आज आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी वालदा राना फिरदौस, जिनके नाम के ऊपर ये घर भी है। नौशीन खान आपकी नेम से, मेरी वाइफ, ठीक है जी, मेरी बेटियां सबरीना, महनूर, मलाइका, बेदार बख्श साहब, सलार साहब और मिशेल, मेरे भाई के बच्चे भी यहां पे मौजूद हैं। सो मैं आप ज्वाइन करेंगे आज के ब्रेकफास्ट के ऊपर। प्लीज़ तशरीफ रखिए, हमें प्लीज़ बैठिए। तो नुमान साहब, आप देसी खाना पसंद करते हैं? जी, मैं बड़ा देसी आदमी हूँ और मुझे जो है देसी खाने बड़े पसंद हैं। और क्योंकि मुल्क से बाहर कभी ट्रैवल करना पड़ जाता है तो वहाँ क्रोसॉन और इस तरह की चीज़ें जब मिलती हैं तो मैं मुंह बसोर के खाता हूँ। लेकिन जो है मुझे अपने पाकिस्तान के हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छा बुरा कहते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा बाहर जाके कहता हूँ कि दुनिया में अगर बेहतरीन खाना है तो हमारा पाकिस्तान का खाना है। पाकिस्तान के तिक्के हैं, पाकिस्तान की हलीम है, पाकिस्तान के बिरयानी है, और आपका ताल्लुक कराची से है, और हर जगह पे जो है इवन हमारे दोस्त मुल्क भी जो है कराची बिरयानी लिख देते हैं वहाँ पे। जी जी, कराची बिरयानी आपको हर जगह दिखेगी। तो फैमिली के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बताएं कि बेगम के हाथ का ज्यादा पसंद है या मदर के? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। सवाल है ना, वो भी सास बहू को आमने सामने बिठा के कर रहे हैं हम। मेरी वालदा खास खास मौकों पे बनाती हैं तो मुझे पता चलता है कि दरअसल मेरी वालदा का हाथ का खाना बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो है जब नौशीन तशरीफ लाई थी आपकी नेम से, तो ये बिल्कुल खाना पकाना नहीं जानती थी, और एक फौजी की तरह मैंने जो है खुद तो कुछ नहीं जानता था खाने के बारे में, लेकिन ये जानता था कि अच्छा खाना होता कैसे। सो इसलिए जो है इन्हें मैंने बहुत खाने बनवाए, और अब जो है इनके खाने जो है इस फिरदौस के ऊपर जहाँ आप बैठी हुई हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। जी जी, okay. इनके हाथ के खाने बड़े अच्छे हैं। तो बाहर जाते होंगे तो मिस करते होंगे इनके हाथ का बना हुआ खाना? जी, अब इन्होंने कुछ सिचुएशन ऐसी बना ली है कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो ये मेरे साथ होती हैं। ये अपने बेस्ट हल निकाला है। जी मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी नुमान साहब के बारे में कि बचपन से लेके अब तक इनमें क्या तब्दीली आई है, और बचपन में कैसे थे? नुमान शुरू से ही अपनी चीज़ों पे बहुत फोकस थे। बचपन से लेके अब तक नुमान में जो भी काम, नुमान अपना एक एक पल जीना चाहता है, और वो चाहते हैं कि मैं, अगर वो अपने कोई टाइम जो है फारिग नहीं छोड़ते,
आप उन्हें किसी भी एंगल से देखेंगे, अगर वो अपने दोस्त यारों के साथ होंगे तो वो उनको पूरा टाइम देंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं इस चीज़ में बिज़ी हूँ तो मुझे अगर किसी ने इनवाइट किया तो मैं नहीं जाऊँगा, या मुझे किसी का हाल हवाल पूछना है तो वो अगर ये रास्ते में भी जा रहे होंगे, इनका दिमाग हर वक्त काम करता होता है। अच्छा, किसी वक्त मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यानी उसका दिमाग बंद हो जाए, जैसे हम लोग होते हैं रिलैक्स करना चाहते हैं। बचपन से इतने फोकस्ड और एम्बिशियस हैं या अभी इनमें आपने ये देखा? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह थे बचपन में। जब आप छोटे होते हैं तो आप बच्चे होते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपकी चीज़ें वही रह जाती हैं आप में, लेकिन आप थोड़ा सा जैसे जैसे आप बड़े मैच्योर होते जाते हैं उन चीज़ों में। लेकिन नुमान बचपन से ही ऐसे थे, फिर माशाल्लाह फोर्सेस में चले गए तो उन्होंने इनको और ज़्यादा डिसिप्लिन कर दिया और मज़ीद निखार आ गया इनकी पर्सनालिटी, निखार आ गया। बहुत शुक्रिया मैम, और आप सबका बहुत शुक्रिया। मतलब बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, मेरा दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ है। तो अब चलते नुमान साहब आपके स्कूल की जानिब। नाश्ता बहुत अच्छा था और इतना लजीज नाश्ता, और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया आपकी फैमिली के साथ नाश्ता करना और चिट चैट करना। मुझे लगता है कि अब दोपहर के खाने की तो गुंजाइश नहीं बची है। अनुमान, ये क्या इम्तिजाज है, एक तरफ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं फिर बिजनेस भी और अब स्कूल? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन किया आपने। मेरी वालदा ने कहा था मैं एक छोटी सी जिंदगी से बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ। एक बड़ी मज़ेदार कोटेशन है वो ये है, आई जस्ट कम्प्लीटेड माई बुक विच इज़ ऑफ 100। ये वो 100 लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाया है। मेरी ज़िंदगी में और उन लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है और वो है टाइम। उनके पास भी यही 24 घंटे थे, यही 60 सेकंड थे, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये सब कुछ कर दिखाया। मैं उनके अशरे अशीर भी नहीं, कहीं करीब भी नहीं, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में जो जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं कर दिखाऊँ। और जो मेरे कोर्स मेट्स 82nd लॉन्ग कोर्स के आज देख रहे होंगे वो बिल्कुल यही कहेंगे मुझे कि मेरी एक फ़ौज में एक ज़िंदगी थी, आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दैट ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन, बट देन आई नीडेड टू प्रैक्टिस देम। मैंने उनको ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहता था मैं उनके साथ। सो मैंने फ़ौज को, जो कि मेरा लव था, मेरा पैशन था, मैंने खुदा हाफिज़ कहा और मैं जो है इस नई ज़िंदगी में आया। और जब अब मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको एहसास होगा कि मुझे क्या लगता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मेरा फ्यूचर नौशीन बिल्कुल वैसा होगा जैसे मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे आज की कौम है। सो मेरे पास स्कूल्स मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे, मैंने ये कोशिश की कि मैं उन बच्चों के साथ जो है बात करूं, उनको वो चीज़ें दिखाऊं। इकबाल के शेर के साथ देखा है जो मैंने औरों को भी दिखला दे, कि मैंने वो चीज़ें देखी थी, मैं उनको वो दिखाना चाहता था। सो मैं आज आपको इस छोटे से टाइम के अंदर, और ये मेरा दिन रोज़ाना यूं ही कटता है, इसी तरीके से होता है, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे यूँ लगता है कि बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। कि मुझे यूँ लगता है कि मैं फिर भी बहुत कम कर सका जो मुझे करना चाहिए था। जिंदगी क्या है? नौशीन बहुत बड़ा क्वेश्चन कर लिया आपने। अल्लाह ताला ने जब लोगों को इस ज़मीन पे भेजा था तो वो जानता था कि मैं इनसे कुछ काम लेना चाहता हूँ। हर इंडिविजुअल एक रेडियंट इंडिविजुअल है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें उसके अंदर दी हुई हैं, और वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि अपनी उन सलाहियतों को जान लेते हैं, वो आपके अंदर होती हैं और फिर आप उनसे इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये लगता है ज़िंदगी दरअसल एक्सप्लोर करने का नाम है।
नुमान, ये बच्चों से आपने जो एक्सरसाइज करवाई, इसका बड़ा एक अच्छा मैसेज मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी को जाएगा कि ये जगह जो हम खुद ही गंदी करते हैं, इनको साफ करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इस किस्म की एक्सरसाइज आप मंथली करवाते हैं, वीकली बेसिस पे, कैसे होता है ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास माँ इसके, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम अक्सर इन बच्चों के साथ करते रहते हैं। कभी यहाँ सफाई करवा रहे होते हैं, कभी कोई जगह पेंट करवा रहे होते हैं, ये अपनी क्लासेस के खुद बोर्ड साफ़ कर रहे होते हैं, घुटनों पे बैठे हुए उसके फर्श साफ़ कर रहे होते हैं। दरअसल बार की और जो हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर फ़र्क ये है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हर काम खुद करते हैं। बच्चों को यहाँ अंडे बनाने सिखाए जाते हैं, उनको फ्रेंच टोस्ट बनाने सिखाए जाते हैं, उनको ये काम सिखाए जाते हैं। इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि जो चीज़ें हम बाहर जाके सीखते हैं अपने मुल्क में क्यों ना सीखें। So everybody should plant at least one tree every year. जी नुमान साहब, आपके स्कूल के इस हिस्से में कुछ खास है, आप बताएं। कुछ खास है, इसका नाम है जी ऑनेस्टी शॉप्स। ऑनेस्टी शॉप्स क्या हैं कि हम किस वक्त जो है ज़िंदगी में छोटी छोटी सी चोरियों को समझते हैं कि ये चोरियां नहीं हैं। जब मैं बैठा हुआ किसी की पेंसिल उठा लेता हूँ, जब मैं बैठा हुआ किसी का शार्पनर उठा लेता हूँ, जब मैं बैठा हुआ किसी का रबर उठा लेता हूँ, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पकती चली जाती हैं। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये फीलिंग देना चाहता था, सर ये टोटल कितने की चीज़ है? 10 रुपये का ये रबर है, 10 रुपये का ये शार्पनर है, 30-40 रुपीज़ की से ज़्यादा कोई पेंसिल महंगी नहीं है। सो यू विल डू अ थेफ्ट फॉर दिस थिंग? नहीं। तो मैंने ये जो है ये तमाम चीज़ें यहाँ फ्री रख दी, जाइए यहाँ पे पैसे डालें और उठा के ले जाएं। यहाँ पे आएं, ये लिखा हुआ है, पिक द बुक yourself and return whenever you want. खुद किताब निकालो यहाँ से, जो किताब लेके जाना चाहते हो ले जाओ, और जब पढ़ लो उसको यहाँ ला के वापस कर दो। तो एम क्या है इस पूरी की पूरी एफर्ट का? एम ये है इस एफर्ट का कि हम अपने मुआशरे से ये छोटी छोटी पैटी थेफ्ट्स जो हैं वो ख़त्म कर दें उन चीज़ों के लिए। तो हमने ये जो है ऑनेस्टी शॉप क्रिएट की है। ठीक, आइए। यहाँ हैं कुछ ग्लिम्स आपके फोर्स लाइफ के, इसके बारे में बताएं। जी मैं आपको ये एक दफ़ा नहीं, आज के प्रोग्राम में 2 दफ़ा बताऊंगा, क्योंकि मेरे दूसरे ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे आपको इससे भी बड़ी चीज़ नज़र आएगी। एनीवे, फॉर दिस पिक्चर ये आपके सामने कैप्टन नुमान है अपने मेस किट के अंदर, और जो है अगर इसके साइड पर देखें तो आपको तमाम के तमाम विंग्स और इंसिग्नियाज नज़र आएंगे। देन माई फेवरेट लीडर ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ जनरल मुशर्रफ। और ऐसे मौसम भी गुजारे हमने जिस वक्त हम 111 ब्रिगेड के हिस्से में थे, और जो है वी सर्व्ड इन दैट ब्यूटीफुल ब्रिगेड। और आखिर में जो है मुझे 2 दफ़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, एंड मैंने कहा मैं फ़ौजी तो बन गया हूँ लेकिन मुझे उस वक्त लोग मानेंगे जिस वक्त मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का फारिग तहसीन भी हूँगा। तो उसके लिए मैं 2 दफ़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया, और ये मेरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पिक्चर। अब मैं मिलाऊँगा आपको एक ऐसी शख्सियत से जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है। नुमान साहब, आपने तो हमें सरप्राइज दिया, हम एक हीरो को करने आए थे, हमें दूसरे साथ मिल गए। कासिम एंड माई सेल्फ वी मेट शॉर्टली, एंड कासिम सेड दैट ही वुड लाइक टू बी इन्वॉल्व्ड इनटू प्रोडक्शन अगेन इन सम वे। सो कासिम, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आज आप मेरे पास आए हैं और आपने कहा था कि सर आप शेर दिल में मुझे भूल क्यों गए। बिल्कुल। और लोग, मेरा एयरफोर्स का बैकग्राउंड नहीं था। और पहली बात ये, मैं थोड़ा सा ना इनको थोड़े से उसकी तस्हीह कर दूं कि कहते हैं ना कि ये बड़ा हीरो है ना, इन्होंने मुझे पासिंग आउट के बाद रिसीव किया था। कराची में इनकी पोस्टिंग मुझसे पहले थी, मैं उनके बाद, और हम अक्सर औकात शाम को बोर्ड बेसन पे हम इकट्ठे होते थे, टाइम इसमें ला के जाते थे, मोबाइल तो होते नहीं थे उस वक्त, तो हम उस पर। और दूसरा, सुनहरे दिन पे जब पासिंग आउट की हम वो जो हमने प्ले में जो दिखाया है वो बेसिकली इनकी पासिंग आउट थी, मैं तो जूनियर मोस्ट कैडेट था।
तो मैं इनकी पासिंग आउट पे इनको मैंने सारी रात ना, इतना खुश था मैं, सारी रात इनको मैंने खड़ा रखा था कि मुझसे एक्टिंग हो नहीं रही थी, शेफ साहब करवा रहे थे मुझे, मुझे वो बड़ा मजा आया आपको तंग करने का। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमें अब तक याद है कि पीएमए में। लेकिन उसके बाद कासिम ऐसे छाए कि पाकिस्तान में जो है वो अभी लोग इनको सुन रहे होंगे, यकीनन ये कासिम है बचपन से, लेकिन हर जगह से इनको गुलशेर गुलशेर की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी होंगी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। ये गुलशेर से अगर आप शुएब मंसूर साहब को निकालें तो पीछे कुछ नहीं बचता। नहीं वैसे गुलशेर अब आपकी एक पहचान बन गई, आपको बहुत ज़्यादा इसी नाम से पुकारा जाता होगा। हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 20 साल के बाद भी वो नाम जिंदा है, वो जो उस पे बाकी मुझे लग रहा है शायद कासिम को बहुत पीछे की छोड़ा है। आप गुलशेर की आइडेंटिटी के साथ। हाँ, तो अभी जो नुमान आपको एक नए उसमें देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? नुमान बड़े हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं एक अदर टेली फिल्म करने के लिए जा रहा हूँ, उसका स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, उसकी कास्टिंग हो चुकी है, अब हमें रीडिंग सेशन के लिए एक अदद शख्स जो कि हमारे दिमाग में फंसा हुआ था, क्योंकि आप कर्नल बन के रिटायर हुए हैं, लेकिन ये जो रोल है ये एक अदद मेजर साहब का है, क्योंकि आपके चेहरे के साथ मेजर ज़्यादा सजता है एज़ कम्पेयर टू। लगता नहीं ये प्रमोट हो सकते हैं। वैसे ये यकीन करें, ये नहीं कि हम बात कैमरे पे करें, मेरे लिए अभी सरप्राइज दिया, मुझे नहीं पता था कि ये हम ये बात करने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल, ये बता रहे थे कि उनको पता नहीं है, ये सरप्राइज भी आपके प्रोग्राम में जो है वो हम देंगे इनको। सो आप तैयार हो जाएं जनाबे वाला, इंशाल्लाह ताला हम इस वक्त जो है बिल्कुल एक महीना दूर हैं, मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आज आपके चैनल के तवसत से इंशाल्लाह ताला आप कासिम उर्फ गुलशेर को जल्द देखेंगे। जल्द देखेंगे दोबारा स्क्रीन पर। चलिए नुमान अब हम चलते हैं आपकी प्रोडक्शन की जिंदगी में। नुमान ये है आपका म्यूज़िक का शौक और ये आपका म्यूज़िक पैशन हमने देखा, आपने बड़े खूबसूरत जो हैं जुनेद जमशेद के गाने जो हैं पिक किए हैं, मज़ीद हमारे व्यूवर्स को बताएं। जुनेद के बारे में मैं ये कहता हूँ कि उसने दो जहानों की मोहब्बत पाई है, उनकी मोहब्बत भी पाई जो कि गिटार हाथ में थामे हुए हैं, उनकी मोहब्बत भी पाई जो कि जो है सहरोज़ा और जो है 40 दिनों के लिए तबलीग पर जा रहे हैं। सो मैं ये सोचता हूँ कि पिछले एक साल से एक तख्लीक ऐसे कर्ब थी कि मैं जुनेद के लिए कुछ करूँ, जुनेद के भाई से मिला, हुमायूं से जो है कुछ टिप्स लिए, कुछ अंदर से आवाज़ आई और फिर मैंने सोचा कि जुनेद के लिए एक अदद मेडले करें, आज की जनरेशन को जुनेद के बारे में कुछ सुनाएं। इसको किसी मॉनेटरी गेन के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि जुनेद का वो काम जो कि शायद चंद आँखों से अभी तक इतना क्लियर नहीं है उन तक पहुँचाया जाए। कहता है कि ये नुमान हम सुबह से आपके साथ हैं, आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हम देख रहे हैं, एक फैमिली पर्सन से हमने स्टार्ट किया, फिर एजुकेशनिस्ट, फिर हम आपको देखते हैं फिल्म मेकिंग की तरफ और अब आपका पैशन म्यूज़िक, तो इन सारी चीज़ों का आपस में जो कनेक्टिविटी है और इसका जो एक खूबसूरत इम्तिजाज है इसको कैसे बैलेंस करते हैं आप? थैंक यू वेरी मच नोशन। इनफैक्ट जब मैं शेर दिल बना रहा था तो उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें मुझे करने का मौका मिला, एंड अगर मैं कहूँ कि मैंने जिस वक्त एडिटिंग को देखा तो मुझे ये लगा कि शायद एडिटिंग में मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, जब मैं फॉलीज़ में गया तो मुझे ये लगा कि फ़लानी आवाज़ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बैकग्राउंड स्कोर में मैं शानी के पास बैठा तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये म्यूज़िक बीच में ऐड किया जा सकता है, एंड आई वॉज़ ट्राइंग टू, मैंने जिस आपसे सुबह कहा कि आई वॉज़ एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ फॉर दिस थिंग कि ये चीज़ यूँ की जा सकती है। सो इसलिए
मेरे अंदर म्यूज़िक था तो सही, लेकिन जब मैंने शेर दिल बनाई तो मुझे एहसास हुआ कि इस चीज़ को कैसे बेहतर करना है। और यही चीज़ हुई कि जब बैकग्राउंड स्कोर पे मैं ये कहता था कि फ़लाना म्यूज़िक आप बजाएं और उसके अंदर यहाँ ड्रॉप होना चाहिए, ये उसका हाई नोट होना चाहिए, और कई दफ़ा मैंने अपने जो है मुंह से बजा के वो बजाया बताया करता था। सो मैंने उससे ये सीखा कि मैं ये चीज़ करूँ। आज का जो प्रोजेक्ट मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ ये है जुनेद जमशेद, जो कि मेरे ख्वाबों में पिछले एक साल से आ रहे थे, और उसको हमने उन जगहों पे शूट किया जहाँ पे हमने जुनेद को खोया था। सो मेरे पास ये था कि जुनेद का इतना खूबसूरत काम है जो हमारी आज की पौध से बिल्कुल जो है अभी दूर है। सो मैंने क्या किया कि 8 मिनट का एक मेडले क्रिएट किया, उस मेडले के अंदर जो है 8 गाने जुनेद के, उसकी खूबसूरत शायरी, और उसको जो है उनके भाई के साथ बैठ के मैंने जो है नर्चर किया हुमायूं जुनेद के साथ, एंड फाइनली नाउ दैट इज़ डन। तो मैं आज आपको यहाँ स्टूडियोज़ में इसीलिए लेके आया हूँ कि हम उसके बिल्कुल फाइनल जो है वो ख़त्म होने के ऊपर हैं, जब मैं आपको यहाँ पे आज मदद किया। तो नुमान साहब, आज बड़ा भरपूर दिन रहा आपके साथ, तो आप क्या करते हैं इसके बाद, जाके सो जाते हैं? नहीं, अभी हमारे बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी भी बाकी हैं? जी, दो चीज़ें। हम बहुत क्लोजली निटेड फैमिली हैं। एक चीज़ तो ये है कि मैंने अभी अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारना है, क्योंकि मैंने जो है उनको टाइम नहीं दे सका। अब मैं उनके साथ बैठूंगा, गप्पें लगाऊंगा, सारे दिन को डिस्कस करूंगा, हंसेंगे हम, वो तमाम चीज़ें जो हम वेस्ट में नहीं हैं, हमारे पास ईस्ट में हैं, यानी फैमिली टाइम, वो दैट्स राइट। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, मैंने फिल्म लिखी थी और मैं अपने अगली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ, तो अब जो है मैं बैठ के अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, हम आपके इस काम में मुखल नहीं होंगे, आप अपना स्क्रिप्ट लिखें और हमें इजाज़त दें। आज आप और के मेहमान थे, जैसे मैंने आपके साथ पूरा दिन इंजॉय किया, मुझे यकीन है मेरे व्यूअर्स ने भी किया होगा। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये थे मेजर रिटायर्ड नुमान खान, जिनसे हमने आपको मिलवाया। इनकी मल्टी टैलेंटेड और डायनेमिक पर्सनैलिटी से यकीनन आपने भी बहुत कुछ लर्न किया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी कीमती आरा से आगाह करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।